किया जाता है, अब उसके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, मिलियंस में जाते हैं, तो खुशी होती है कि आपकी फिल्म का जो भी प्रमोशन हो रहा है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है आपकी फिल्म के अंदर. तो इट्स अ गुड साइन एंड आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी था कि इट हैज़ टू गेट सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड पीपल शुड वॉन्ट टू वॉच इट बिकॉज इट्स अ रिलेटिवली नॉट अ वेरी बिग कास्ट फिल्म. इट्स नॉट विद नॉन प्रोड्यूसर्स और विद अ वेरी नॉन डायरेक्टर बिकॉज दे आर मेकिंग द डेब्यू विद दिस फिल्म. सो वेन सच थिंग्स हैपन इट्स अ गुड साइन एंड इट्स एन एनकरेजिंग साइन एंड आई एम हैप्पी that you know that ek pure on merit and organically the film is being appreciated. Agar ji kyunki ek businessman ka character hai aapka, aap aapka maine trailer mein dekha, to zara bataiye ki jab ek aapko bataya gaya ki aapko ek businessman banna hai and is tarah ka and aapki jo wife hai unki jasoosi bhi kar rahi hai, to kya kuch feeling thi aapki kyunki ye maine different abhi tak dekha hai aapka aapke character mein aapki life mein is tarah ka character. वेल हाँ, इस किस्म का रोल शायद मैंने इससे पहले प्ले नहीं किया था. तो ये एक डायरेक्टर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के ऊपर जो वो इस फिल्म में बताना चाहते हैं कि एक कपल जब नया नया कपल होता है तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, एक अपना प्यार जताता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जताता है, एक दूसरे के लिए स्टैंड बाय करता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, हर चीज़ अच्छी लगती है, एफर्ट करता है और फिर धीरे धीरे जब उनके गोल्स अचीव होते हैं जैसे कि शादी के गोल्स अचीव हो गए या बच्चे का गोल अचीव हो गया तो धीरे धीरे उनका एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट होता है. एंड ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है. ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे डायरेक्टर ने एक वेरी सेंसिटिव येट वेरी लाइट हार्टेड फिल्म बनाई है जो हम इसको बड़े एक अलग अंदाजे से देख के महसूस कर सकते हैं. तो बेसिकली इट्स अबाउट रोमांस, लॉस ऑफ रोमांस एंड प्रोबेबली अबाउट गेनिंग रोमांस बैक इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप. सो दिस कैरेक्टर वाज समथिंग दैट आई हैव नॉट डन और इसका जो इंटरप्रिटेशन था जो मेरे डायरेक्टर के माइंड में था उसको मैंने काफ़ी फॉलो किया और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने बेस्ट लुक में होते हैं, बेस्ट बिहेवियर में होते हैं. फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर मिल जाता है तो आप कभी कभी आप अपने फिजिकैलिटी को भी आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, शायद आप तो आपका वज़न बढ़ जाता है या तो आपकी आदतें बदल जाती हैं और जो आप पहले जो करते थे वो कम करते हो या करना बंद कर देते हो और उसका असर होता है. तो मेरे साथ जो उन्होंने बताया कि जैसे कि तुम मुझे अपनी इस फिल्म के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपने हेल्थ को कैसे कॉम्प्लेसेंट हो जाता हूँ जहाँ मैं निगलेक्ट करता हूँ, वज़न बढ़ा देता हूँ. तो इस फिल्म में मैंने डिलिब्रेटली कुछ 5-6 किलोज़ एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं ताकि वो मैं इस कैरेक्टर में उनके लिए लगे कि वो कि यह शादीशुदा आदमी कभी कभी अपने आप को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता जबकि आदमी को अपने हेल्थ के ऊपर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो अपने वज़न को अपने हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए. अभी अभी जस्ट हमने डायरेक्टर जी का इंटरव्यू किया, उनका ऐसा कहना है कि इस फिल्म को अमित एंड सोनम जी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस फिल्म से उनकी दुआ है, सारी जिम्मेदारी जो है अरबाज के ऊपर है. ये किसने कहा, डायरेक्टर साहब ने कहा? तो सारी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है और आप आ रहे हैं, मीडिया से बातें कर रहे हैं, हम आपको जहाँ कह रहे हैं जा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि इस फिल्म को लेकर सारी जिम्मेदारी आपको आपके ऊपर है, आपको ही लेकर चलना है 2 नवंबर तक हमें सामान? यार आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीबडी. आई एम अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम, अमित एंड सोनल, एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम. व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन, सो लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट एज दे हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाई दे आर नॉट could be because of some professional engagements or the sudden scenario of this film being released on 2nd of November without everybody's got a busy schedule, sabka schedule busy hai, wo mujhe nahi pata. To I hope everything is fine and I know that they wish well for the film. They both have done wonderful in the film, dono ne bahut acha kaam kiya hai and I am like I said, I had the space and the time and the, you know, for me my film is something that I have to honor and to
टू कम्प्लीट द कमिटमेंट्स दैट आई एम सपोज टू डू. सो आई एम हियर. आई रियली डोंट नो व्हाट इज ट्रांसपायरिंग बिटवीन द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड द अदर एक्टर्स ऑफ द फिल्म. आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम हियर टू लेंड माई सपोर्ट टू द फिल्म लाइक आई डू फॉर ऑल माई फिल्म्स. ओके सर, आपने अपने करियर में बहुत सारे मूवी की है और ये फर्स्ट टाइम होगी कि डिटेक्टिव कॉमेडी एक्सप्लोर की जाएगी बॉलीवुड सिनेमा में. डिटेक्टिव का एपस में डिटेक्टिव कॉमेडी की टच है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? वेल, लाइक आई सेड के यू नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉनर एंड इट्स अ स्लाइट रोमांटिक थ्रिलर डिटेक्टिव काइंड ऑफ जॉनर वेर वेरी वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स हैव बीन मेड इन द पास्ट विद डिफरेंट स्टोरीज. So yes, it's a kind of a genre that is very exciting and a lot of people have seen stuff like probably on those lines before and enjoyed it and made them into successful films. And we're hoping that ye bhi film logon ko pasand aayegi aur entertaining lagegi and they enjoy the story, the characters and the scenes and the actings in the film. Okay sir, this year most of the film belongs to content driven film and your movie is a comic touch. So how do you see a content driven film versus a comic? I mean to say, if you're going to say that comic films don't have content, then I don't know what this question means, but every film has got interesting content. If a content film can be a comic film, a content film can be a thriller, a content film could be a whatever, drama film, and a content film could also be a what you call a slapstick comedy or a you know, basically light-hearted comedy. So ours comes under that. There is content in this film. It's not a content-less film. So, you know, it's not as though, okay, there are content films that are doing well and presuming that our film is not a content film and how does it find space in this scenario? No. The film has a great script and it has got content, and I think, you know, whether the content goes down well with the audience and whether it gets accepted and whether it becomes a success, that is to be seen. But yes, it's obviously it's working on some concept and content. And Harbaz ji, iske alawa jo Dabang 3 hai, mujhe pata hai Salman ji Bharat mein bahut hi busy hai. दबंग 3 के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दबंग 3 के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है. उसकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है, उसकी कास्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है, टेक्नीशियंस ऑलमोस्ट लॉक हो चुके हैं. बाकी उसके प्री प्रोडक्शन पे काम चलेगा जहाँ पर उसके गाने फाइनल हो जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड है, जहाँ उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम शुरू हो जाएगा, उसके लोकेशंस का रेकी वगैरह सब हो जाएगा. और अगले साल हम शायद या तो फरवरी एंड में या मार्च के बिगनिंग में हम फिल्म की प्रिंसिपल शूटिंग शुरू करेंगे. एंड हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम फिल्म की रिलीज़ अगले साल ही लाइक एंड ऑफ द ईयर तक करें. दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द फिल्म. एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट 1 million टाइम्स, बट आई गेस आई कीप बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो वन मोर टाइम. ओके सर, आजकल बायोपिक की ट्रेंड चल रही है और बहुत जन चाहते हैं कि सलीम सर की भी एक बायोपिक बने. सो आपके हिसाब से कौन लगता है परफेक्ट सूट होगा सलीम सर के रोल करने में? सलीम साहब, आई डोंट नो दैट. अगर ऐसा है, आई एम श्योर. इनफैक्ट आई हैड स्पोकन टू अबाउट टू माई फादर टू मेक अ काइंड ऑफ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम बिकॉज ऑफ द ग्रेट काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क एंड द लाइफ दैट ही इज लेड. एंड आई वॉज सीरियसली कॉन्टम्पलेटिंग ट्राइंग टू गेट समथिंग लाइक अ इंटरेस्टिंग लाइक अ documentary made on him from the very beginning of his career right till now. But if you're saying if there's some biography that is to be made on him, I guess I don't know. I mean to say, who would be the best person at this point in time, because he has to play him from a very young age to probably the age that he's right now. Ranbir has shown what he's done with Sanju, so I guess my first choice would be somebody like him. But yes, I think that's something that we have to think about, who could play him. Yeah, not yet thought about it. Yeah. And aakhri sawal ye hai Arbaz ji, kyunki mujhe pata nahi aap social media par kitne active rehte hain, kyunki in dino jo picture aati hai aapki and Georgia ji ki, dheron sare atkale lagayi jati hai. Koi kehta hai ki ye bahut hi beautiful couple hai, koi kehta hai ki itne acche couple hai, inki jaldi shaadi bhi honi chahiye, kyunki aap hamare samne hain. Hum aapse janna chahenge ki kya तो बातें होती है, तो बातें होने दो, उससे क्या होता है. उनके कहने या ना कहने से थोड़ी कोई शादी नहीं होगी या होगी. जब जो चीज़ होनी है होगी. इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो मुझे ही पता है क्या हो रहा है,
और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो शादी भी हो, वो जब मैं सही समझूंगा तब मैं बोलूँगा। दुनिया को इस किस्म की चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट करना कि अभी इनका रोमांस चल रहा है या इनकी शादी होने वाली है, ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन इनको रिलायबल सोर्स देता है, कौन सा किसने, ना किसी घर वाले ने बोला है, ना मैंने बोला है, ना जो कंसर्न पार्टी है उसने बोला है। पर ठीक है, लोगों को, दो लोग एक साथ देख के जो उनको मर्जी है कहना है वो कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को रोक ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, जो आपको प्रिज्यूम करना है वो आप करते हो। हम लोगों ने डिसाइड, ऑब्वियसली यू गेटिंग, अभी मुझे खुद को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे पता है किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, पर्सनल ज़िंदगी जीता हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो मुझे पता है, और जब मुझे दुनिया को बताना होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। आराम से रिलैक्स करो, कुछ इसमें सोच, डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एंड प्रिज्यूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। जब सही चीज़ जब होगी तब होगी, हम बता देंगे। दिवाली की शुभकामनाएं जा जाते हैं। हाय, मैं हूँ अरबाज खान और मैं सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ।